नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार, गांव वालों से कर रहा था वसूली, पैसे नहीं देने पर गाली गलौज और दी जान से मारने की धमकी। बलौदाबाजार जिले की लवन थाना पुलिस ने एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी कमल बंजारे उर्फ अजय बंजारे 31 वर्ष खुद को लवन थाने में पदस्थ बताकर ग्राम डोंगरा में वसूली कर रहा था। जानकारी के मुताबिक ग्राम डोंगरा निवासी सुशीला टंडन ने 4 मई को आरोपी कमल बंजारे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि सुबह 8 बजे जब वो अपने घर में थी, तभी एक व्यक्ति इसके घर में घुसा और लवन थाने का पुलिस जवान बताकर 2000 रुपए रिश्वत मांगने लगा। उसने झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि तुम लोग शराब बेचते हो, अगर बचना चाहते हो तो 2000 रुपए दो, नहीं तो जेल में बंद कर देंगे। पीड़ित परिवार के ये कहने पर कि वो लोग शराब नहीं बेचते हैं, इस पर गाली गलौज करने लगा, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद घरवालों ने उसे पकड़ लिया और थाने पहुंचकर शिकायत की। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 170, 451, 294, 384, 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना लवन प्रभारी उप निरीक्षक उमेश वर्मा के नेतृत्व में तत्काल पुलिस टीम मौके पर रवाना कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कमल बंजारे उर्फ अजय बंजारे ग्राम गोरधा थाना कसडोल का रहने वाला है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।